तो हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक और न्यू वीडियो में। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पर जो प्रॉब्लम आती है योर अकाउंट वाज कॉम्प्रोमाइज़ की, इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इस अकाउंट में हमारे में प्रॉब्लम आ चुकी है। तो हम आपको यहाँ पर इस अकाउंट को यहाँ पर ओपन करके दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर अभी यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ इस अकाउंट को ओपन करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करना, आपको यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर चेंज पासवर्ड वाला, इस पर क्या करना है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पहले अगर आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड याद है तो यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर डाल देना। इसके बाद न्यू पासवर्ड बनाना और कन्फर्म न्यू पासवर्ड में जो न्यू पासवर्ड बनाओगे उसको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप यहाँ से पासवर्ड भूल चुके हो तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो अगर आप यहाँ से पासवर्ड भूल चुके हो तो यहाँ पर जो फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन है इस पर क्या करना, क्लिक करना। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मतलब जो आपने यहाँ पर यूजर नेम या मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी ऐड की होगी उसको यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर डाल देना है। तो हम यहाँ पर यूजर नेम यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर ऐड किया है उसे यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर टाइप कर देना है। तो हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर यूजर नेम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने यहाँ पर यूजर नेम यहाँ पर अपने यहाँ पर पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर करना है सेंड लॉगिन लिंक पर क्या करना, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बता रहा है यहाँ पर नो यूजर फाउंड। तो ऐसा आ रहा है, आपको यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर यहाँ से बैक चला जाना। तो जैसे हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर सर्च करना क्रोम ब्राउजर। जैसे ही आप यहाँ से क्रोम ब्राउजर को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर सर्च वाला आइकन पर आना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सर्च वाले आइकन पर आओगे तो आपको यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर सर्च करना इंस्टाग्राम फॉरगेट पासवर्ड। तो जैसे हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं इंस्टाग्राम फॉरगेट पासवर्ड। तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर जो टॉप पर वेबसाइट आएगी इसे क्या करना, ओपन कर लेना आपको यहाँ पर रीसेट पासवर्ड वाली इसको। तो जैसे ही हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्रोम पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्रोम पर सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर यूजर नेम यहाँ पर हम यहाँ से फिर से यहाँ पर टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना, यहाँ से फिर से यहाँ पर सेंड लॉगिन लिंक पर क्लिक करना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर लोड होके ऐसा इंटरफेस आ जाता है आपके सामने, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट वाले ऑप्शन पर क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर कर देना क्लिक। तो यहाँ पर लोड हो रहा है, लोड होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर जीमेल आईडी ऐड है या मोबाइल नंबर उस पर आपको यहाँ पर एक यहाँ पर ओके पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर नंबर पर मैसेज आएगा। तो यहाँ पर हमने ओके पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर जो मैसेज होगा वो यहाँ पर जीमेल आईडी या फ़ोन नंबर पर आ जाएगा। तो हमारे पास जीमेल आईडी या फ़ोन नंबर नहीं है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करेंगे, आप ओल्ड पासवर्ड डाल के यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके दिखाने वाले हैं हम आपको यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से चले जाते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आने के बाद हम यहाँ से जैसे ओल्ड पासवर्ड याद है तो इस तरीके से हम यहाँ से ओल्ड पासवर्ड से यहाँ से पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर पासवर्ड याद नहीं है तो आप यहाँ पर पासवर्ड को फॉरगेट कर देना, और आपके पास यहाँ पर मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी पर पासवर्ड मतलब मैसेज आएगा, उससे आप यहाँ से पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर अपना यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं, चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पर कर देने क्लिक। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लोड हो रहा होगा, थोड़ी देर आपको यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर एक दो सेकंड वेट करना। वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको क्लिक करना, यहाँ से एक दो दे बैक आ जाना है। बैक आओगे, यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर जो अकाउंट होगा और भी तो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर ऐड अकाउंट पर जाना। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना, आपको यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर जिस अकाउंट में प्रॉब्लम थी उसका यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यूजर नेम यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर यूजर नेम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और आपने यहाँ पर जो न्यू पासवर्ड बनाया होगा उसको आपको यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर टाइप कर देना है। तो यूजर नेम और न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप करना, टाइप करने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर जो अकाउंट होगा वो यहाँ पर लॉगिन होके आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट था वो यहाँ पर लॉगिन होके आ चुका। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।